भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। हिंदी पैडागोजी में ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर नंबर 5 में बाकी की हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बना गया है, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पर मैं सबसे पहले 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 41वें प्रश्न से, ठीक है। और इन सभी की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, हिंदी की प्लेलिस्ट, बाल विकास की प्लेलिस्ट। तो जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी की, ईवीएस की समरी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उन सभी को जरूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न थोड़ा सा सरल है, भाषा के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व, जैसे भाषा के मुख्य तत्व हों या फिर किसी भी चीज़ के मुख्य तत्व हों, इसका मतलब ये है कि उन तत्वों से, उन चीज़ों से मिलकर भाषा बनी हो। तो भाषा जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उसको बोलते हैं भाषा के तत्व। तो तत्व क्या हो सकती हैं, संकेत, चिन्ह, ध्वनि या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी, यानी कि भाषा भाषा संकेतों से मिलकर बनी होती है, चिन्ह होते हैं उसमें, ध्वनियाँ होती हैं, और इन सभी का समावेश होता है भाषा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं संकेत, चिन्ह और ध्वनि। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है। जो भाषा प्रयोगशाला में, जैसे भाषा की कोई प्रयोगशाला है उसमें आप शिक्षण कर रहे हैं, तो वो किस रूप में होगा, व्यक्तिक रूप में, सामूहिक रूप में, व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूप में, इन सभी रूप में। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है 4 नंबर, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, तब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा है कि बाकी अन्य दो ऑप्शन है उनको भी अपने अंदर लिए हुए है, तो इस वजह से जो आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण होता है। भाषा, जैसे कोई भाषा की प्रयोगशाला है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षण हो सकता है, सामूहिक यानी कि सबको मिलजुल कर भी कोई शिक्षण हो सकता है। तो भाषा शिक्षण प्रयोगशाला की अगर बात आएगी तो व्यक्तिक और सामूहिक रूप से उसमें शिक्षण हो सकता है। प्रतिलेख में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रतिलेख क्या होता है। जैसे आपने सुना है प्रतिलिपि, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसकी प्रमाणित, स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर आए, तो मतलब जो फोटोकॉपी होती है उसको बोलते हैं प्रतिलिपि। प्रतिलेख उसको बोलते हैं जो लिखा हुआ हो, जो फोटोकॉपी हाथ से लिखी हुई हो उसको बोलते हैं प्रतिलेख। तो प्रतिलेख बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। तो देखिए प्रतिलेख लिख रहे हैं आप, कुछ भी लिख रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार के अक्षर बना सकते हो, छोटे भी बनाएंगे कुछ बच्चे, बड़े भी बना सकते हैं, जैसे लिखा है ठीक उसी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में भी सक्षम नहीं होंगे। तो किसी भी आकार के अक्षर आप प्रतिलेख में बच्चे बना सकते हैं, तो उसका याद रखिएगा। अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान पूर्ति किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है, यानी कि जब रिक्त स्थान होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह की परीक्षा है। तो यहाँ से देखिए सीटेट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको क्या करना है कि जो जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करिए। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हो आप, उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही होगा। क्योंकि देखिए रिक्त स्थानों की बात की जा रही है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय, विस्तृत यानी कि विस्तार रूप से, विस्तार रूप से मतलब डिटेल में। जब डिटेल में कोई आंसर होगा तो वो रिक्त स्थान तो हो नहीं सकता, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ये कट गया। लघु उत्तरीय, तो आपने डीएलएड या फिर बीटीसी करी होगी तो उसमें देखा होगा अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। जो लघु उत्तरीय में आंसर होते हैं वो 5 से 6 लाइन के लिखने होते हैं, 5 से 6 लाइन के जब आप आंसर लिखते हो इसका मतलब रिक्त स्थान में वो नहीं आएगा, इस वजह से ये भी हमारा कट जाएगा। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ में आपने देखा होगा जो एमसीक्यूज में की फॉर्म में होते हैं प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, उसमें जैसे जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रकार की जगह पर रिक्त स्थान दे देता है, रिक्त स्थान दे देगा और ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से आपको ये रिक्त स्थान की जगह पर भरना होता है। इसी वजह से जो रिक्त स्थान का प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार हो सकता है, इस वजह से जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद में जो हिंदी पेडागोजिकल वाले कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के माध्यम से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करूंगा इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। 50 क्वेश्चन ये हो गए आपकी हिंदी भाषा से जो कि आपकी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अब मैं कुछ क्वेश्चन वैसे डिस्कस करूंगा जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की तरह से पूछे जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है कौन सी। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है इंग्लिश सभी देशों के लिए, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जो इंग्लिश है वो क्या काम कर रही है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर सही लगेंगे, लेकिन आपको सबसे अच्छा जो उत्तर है वो चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विचारों को आदान प्रदान प्रस्तुत करता है। तो देखिए, आदान प्रदान तो प्रस्तुत करता है, क्योंकि कोई भी भाषा है वो किस चीज़ का माध्यम होती है, विचारों के आदान प्रदान करने का। तो ये हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को ढूंढना है हमें कि कौन सा सबसे बेहतर उत्तर है। शांति स्थापित करना, तो देखिए यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करना ये ज़्यादा प्रभावशाली है शांति स्थापित करने से। तो शांति स्थापित यहाँ पर कोई भाषा नहीं करेगी, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। विभिन्न देशों को मिलाना, तो ये एक तरह का वैसा ऑप्शन है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई भाषा है तो देशों को मिलाने का काम करती है, वो मिलाने का काम नहीं करती है, या तो वो आदान प्रदान करेगी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रों का एकीकरण, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। अब आपके बचे दो ऑप्शन, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण और विचारों का आदान प्रदान करना। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑप्शन कौन सा है? देखिए, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण होगा, तो एकीकरण मतलब जो राष्ट्र हैं वो एक साथ आएंगे, कई चीज़ों में काम करेंगे कई सारी, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एकीकरण वाला। इस वजह से जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करेगी, और जब एकीकरण होगा तो इसके अंतर्गत हमारा आदान प्रदान भी होगा विचारों का, तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर क्या है? विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का काम क्या होता है? विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, मतलब जो निम्न प्राथमिक स्तर यानी कि जो प्राथमिक स्तर से भी पहले वाला स्तर है, उसमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है इसमें पूछा गया है। तो राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राज्य भाषा है जो कि हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत किसी भी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं मानता है। ठीक है, मातृभाषा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि निम्न प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और मातृभाषा ही हमारा वहाँ पर पढ़ाई का साधन हो सकती है। आधुनिक भाषा, तो आधुनिक भाषा नहीं होगी, ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। विदेशी भाषा, तो निम्न प्राथमिक स्तर पर कोई विदेशी भाषा नहीं हो सकती पढ़ाई जाने वाली। तो हमारा जो बचा है वो बचा है मातृभाषा। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मातृभाषा बोलते किसको हैं। तो देखिए, मातृभाषा इसको बोलते हैं जब बालक जन्म के बाद बाहर जब के दुनिया में आता है, तो जिस भाषा में वो सबसे पहले कम्युनिकेशन करता है, जिस भाषा को वो सीखता है, जिस भाषा में वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। जैसे कोई बच्चा है यहाँ पर आके इंग्लिश बोलना शुरुआत से ही उसको इंग्लिश सिखाएगी, तो उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इन सभी में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, आप याद रखिएगा। कविता का मुख्य लक्ष्य है, तो देखिए कविता का मुख्य लक्ष्य हमने पढ़ा था कि अनुभूति प्राप्त करना होता है, कि जैसे भाव होते हैं, भावों की अनुभूति प्राप्त करना का कविता का लक्ष्य होता है। कविता से हमें भावों की अनुभूति प्राप्त होती है, लेकिन ये सारी बातें हैं उस परिप्रेक्ष्य में कि जैसे रस, कौन सा रस प्रदान हो रहा है, या फिर भाव प्रदान हो रहा है, अनुभव प्रदान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कविता का मुख्य दूसरे पक्ष में पूछा गया है कि शब्द भंडारण में वृद्धि होगी, इससे कविता का मुख्य लक्ष्य। उच्चारण दोषों का सुधारना होगा, भाषा एवं सहानुभूति करना, कविता का सरलार्थ बताना। तो यहाँ पर चलिए मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एलिमिनेट कर देता हूँ फोर्थ वाले ऑप्शन को, कि कविता का सरलार्थ बताना, यानी कि कविता को सरल रूप में बताना कविता का लक्ष्य होता है। तो कविता का कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कविता अपने आप में कोई सरल नहीं होती है। कविता आपने सुनी होंगी, बहुत सारी कविताएं होती हैं तो सरल तो नहीं होती हैं, तो सरल चीज़ें बताना उसका कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 कट गया। भाषा एवं सहानुभूति करना, अब इसको देख लेते हैं, भाषा एवं सहानुभूति करना। तो कविता का लक्ष्य होता है भाषा के बारे में जब बताना, तो यहाँ पर तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो भाषा के बारे में बताती हैं, और सहानुभूति सहानुभूति दिलाना किसी भी कविता का लक्ष्य नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अच्छा, दो ऑप्शन कट चुके हैं। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले कि कविता क्या है, तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो मनुष्य के भावों को प्रकट करती है वो होती है कविता। सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है मनुष्य के भावों को, बाहर निकाल कर ला पाती है और शब्दों के रूप में व्यक्त करती है, वो होती है कविता। तो क्या करेगी कविता के शब्द में, शब्द भंडार में वृद्धि करेगी? तो शब्द भंडार में कोई वृद्धि नहीं करती है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की। तो शब्द भंडार में कविता कोई मुख्य काम नहीं करती। यहाँ पर उच्चारण जो दोष होते हैं उनको सुधारती है। जैसे कविता एक लय में बोली जाती है, और जो बालक होते हैं वो एक लय में बोलना सीखते हैं,
वो लय में इसलिए बोलना सीखते हैं क्योंकि उनका उच्चारण जो दोष है वो ठीक हो, शब्दों को बेहतर ढंग से बोल पाएं। इसी वजह से उच्चारण दोषों को सुधारने का काम भी एक कविता का होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर है। अक्षर बोध प्रणाली, तो अक्षर बोध प्रणाली में मैंने आपको क्या चीजें बताई थी कि अक्षर बोध प्रणाली में हम क्या पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन यानी कि अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, कि अक्षर के रूप के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षर में, फिर हम जैसे क अक्षर है तो का के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे स्वर है या फिर व्यंजन है, स्वर व्यंजन का सम्मिलित रूप क्या है, तो इस तरह की चीज पढ़ते हैं। और अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का क्या होता है, वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता है, उपरोक्त सभी। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जो जवाब है जो सीटेट में सीबीएसई मानेगा वही होगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि उपरोक्त सभी भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि अक्षर बोध प्रणाली जो होती है उसमें स्वर व्यंजन के बारे में छात्रों को पढ़ाएंगे और उनके क्रमबद्ध ज्ञान को देंगे तो विवरण दोष नहीं आ पाएगा, विवरण दोष आने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। विवरण दोष मतलब जैसे किसी चीज़ का विस्तार से रूप से लिखना है, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे अगर बोल दिया जाए कि जो प्राचीन शब्द है इस प्राचीन के बारे में लिखी है, तो प्राचीन बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों के अंदर, बहुत पुरानी जो चीज़ें होती हैं उसके प्राचीन के अंतर्गत आती हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर जो अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से विवरण दोष बहुत कम आएंगे। उच्चारण शुद्ध होगा ही होगा क्योंकि स्वर व्यंजन का उसको ज्ञान हो जाएगा, तो स्वर और व्यंजन का ज्ञान होते ही वो उच्चारण उसका शुद्ध होगा। वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान भी उसको होगा, उसको पता लगेगा कि पहले व्यंजन में क आता है, उसके बाद अ आता है, स्वर आता है, तब मिलके बड़ा बड़ा जो का है वो बनता है, तो वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान भी उसको होगा। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन 4 भी आंसर हो सकता है, और सबसे बेहतर प्रश्न अगर आप अगर ये लगा दें तो यहाँ पर वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान आप लगा सकते हैं, ठीक है। वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर ये नहीं दिखता है तो आप उच्चारण शुद्ध लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे जो कम यहाँ पर ठीक आंसर है वो थर्ड वाला है, ठीक है। और अगर आपको उपरोक्त सभी दिख जाए तो आप उपरोक्त सभी भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी सीबीएसई पर, ठीक है, वो इसका आंसर किस तरह से कौन सा वाला आंसर सही मानता है। अब बढ़ते हैं बी एस डॉक्टर बी एस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो बी एम ब्लूम के बारे में आपको पता ही होगा, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है जिसमें उन्होंने अपने तीन पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे लास्ट वाला जो छठवां पक्ष था उनका मूल्यांकन था, जैसे ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। तो उनके मतानुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया किस चीज से संबंधित है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो देख लेते हैं कि शिक्षक उद्देश्य से, यानी कि जो मूल्यांकन करता है वो शिक्षक उद्देश्य से करता है, सीखने के अनुभव से संबंधित है, या फिर मूल्यांकन के साधनों से संबंधित है, या फिर इन सभी से। तो इसका आंसर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि इन सभी से मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। जैसे शिक्षक के उद्देश्य से मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, जैसे शिक्षक के जो भी उद्देश्य हैं अपने उद्देश्यों के लिए, शिक्षक के को बच्चों के बारे में जानने के लिए मूल्यांकन करना पड़ता है, तो शिक्षकों के उद्देश्य से संबंधित भी है। सीखने के अनुभव से संबंधित है, जैसे जो भी आप सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन करके देखिए, मूल्यांकन उसका उसके मूल्यांकन में आपको पता लग जाएगा कि कितना सीखा है, तो सीखने के अनुभव से भी संबंधित है। मूल्यांकन के साधन से भी संबंधित है, मूल्यांकन करने में कौन कौन से साधन, कौन कौन से परीक्षण आप यूज कर रहे हैं, तो उसके साधन से भी संबंधित है। और यहां पर जब दो ऑप्शन सही हो जाते हैं तो आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन इनमें से इन सभी से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इस बारे में बाद में पढ़ेंगे, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी काफी बड़ी है, वहां से भी हर बार एक प्रश्न आता है, उसको भी पढ़ेंगे। आयोजित शिक्षक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। जैसे शिक्षक और सह शिक्षक कार्य हो रहे हैं, कोई भी शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य हो रहे हैं, तो हिंदी शिक्षक को, एक हिंदी का टीचर है उसको क्या मार्गदर्शक देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि व्याकरणिक नियम उसको बताने चाहिए, साहित्यिक पक्ष संबंधी उसको मार्गदर्शन देना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। तो सभी अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपने देखा सभी अपने आप में कैसे हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, और सभी अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि ये सभी मार्गदर्शन शिक्षक देगा। व्याकरण के नियम भी बताएगा शिक्षक, साहित्यिक पक्ष भी बताएगा उसके, और जो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है बच्चा उसका निवारण संबंधी जो मार्गदर्शन है वो भी करेगा। तो इस वजह से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक
ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपसे अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि आपको पढ़ने में थोड़े से सरल लगेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े वैसे हैं हिंदी भाषा से संबंधित हैं, लैंग्वेज से संबंधित हैं, जो आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।